मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वांचल क्षेत्र में तो नहीं लेकिन पश्चिम क्षेत्र में बारिश की संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। वहीं एक दो दिनों बाद पूर्वांचल क्षेत्र के कई जिलों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो हम लोग को पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार अभी इस तरफ पूर्वांचल के साइड में तो नहीं, लेकिन अपर कैचमेंट एरिया में जो हमारा वेस्टर्न साइड है, लखनऊ इत्यादि बेल्ट पे जो एरियाज हैं वहाँ पर बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन यह संभावित है कि अगले एक दो दिनों के बाद इस तरफ के भी क्षेत्रों में जुटपुट जगहों पर वर्षा हो सकती है। तो इस तरह का एक पूर्वानुमान IMD द्वारा बताया गया है, जिसके संबंध में समुचित डिपार्टमेंट्स को भी उसको कन्वे कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है इधर, खासतौर से जनपद गोरखपुर के लिए। सर, मौसम में बदलाव हो रहा है? जी, इस समय मौसम में चढ़ाव उतार बना हुआ है। दिन में बहुत ज़्यादा मतलब गर्म होता जा रहा है मौसम और रात में ठंड रह रही है, तो ये थोड़ा सा मौसम का बदलाव है। इसमें थोड़ा एहतियातन बरतना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के मौसम के उतार चढ़ाव के कारण प्रायः जो रहते सर्दी जुकाम की बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, तो इससे थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। और मौसम अभी इसी तरीके से परिवर्तित होता रहेगा क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया में बर्फबारी भी हो रही है, तो थोड़ा सा मौसम इस तरह से ठंडा गर्म बना रहेगा, तो उसमें विशेष सतर्कता बरतनी आवश्यकता है।